केसीजी मेडिकल कॉलेज छात्री को एसिड माड़ घटना पांच मास परे मुंबई गिरफ हेला अभियुक्त स्वामी पीड़िता कहिले मिलू आजीवन कारादंड न्यूज 18 हाथ में एसिड अटैक रो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज कांग्रेस परे बीजेपी रो उपवास राजनीति संसद अचल को नहीं देशव्यापी अभिनव प्रतिवाद भुवनेश्वर दीनदयाल पार्क में बसिले राज्य नेतृत्व बीजेडी कांग्रेस रो समालोचना खमुणी महानदी ताती शासक दल पर विधानसभा विरोधी हंगामा काली स्वतंत्र आलोचना पर सर्वदलीय बैठक में सहमति सेबड़ उपकूल जिला जगत सिंहपुर में महानदी संगीन स्थिति देखिबा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट चड़क मेला पाई चलचंचल बालेश्वर चंदनेश्वर पीठ उठिला थंबी काठ काली पाठ पर्व पाई स्वतंत्र प्रस्तुति लक्षाधिक भक्तों समागम कोरापुटे काश्मीर भ्रम काल बैशाखी वर्ष रास्ताघाट पहाड़े भरी गला कुआपथर शुभ्र सौंदर्य को उपभोग कले पथिक पापाग विभाग कहला आहरी मसे प्रबल करका माड़ राजधानी में पर्यटन प्रसार भुवनेश्वर डॉट मी वेबसाइट लोकार्पण कले मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी नुआ लोगोर उन्मोचन नमस्कार आपण देखुचंती आमरी ओडिशा मुजागृति एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज छात्री मीनती प्रधान को एसिड माड़ घटनारे धरा पड़ी अभियुक्त नवी मुंबई अभियुक्त तथा पीड़िता स्वामी निरंजन प्रधान को गिरफ्त करी ब्रह्मपुर पुलिस आज निरंजन को ब्रह्मपुर एमकेसीजी एसडीजेएम कोर्ट में हाजर करने सहित पांच दिनिया रिमांड पर आवेदन कर पुलिस सेबड़े पांच मास ते घटी ए घटनार सीसीटीवी फुटेज लगी न्यूज 18 हाथ में पर्दाफाश होइछि पिसाच स्वामीर भयानक चेहरा आउ खोलिछि स्त्री मुहरे एसिड ढालिथिबा स्वामीर अपराधर पृष्ठा आउ थरे भलो करि देखंतु ए चेहरा को निरंजन प्रधान ब्रह्मपुर एमकेसीटी मेडिकल कॉलेज रे डीएमएलटी करूथिबा स्त्री मिनतिंक उपरे एसिड माड़ करिथिबा निरंजन को नवी मुंबई रु गिरफ्त करिछि ब्रह्मपुर पुलिस रो स्पेशल स्क्वाड निरंजन रो मोबाइल ट्रैकिंग करि नवी मुंबई एपीएमसी थाना कोप्रीगां सेक्टर 26 रु निरंजन को गिरफ्त करा जाइछि जेउठी ना बदलाई एक कंपनी रे काम करूथिला निरंजन कंटीन्यूअसली तांगो जागा चेंज करूथिला से प्रथम रे विशाखापट्टनम गला एवं अन्यान्य दुई तीनटी जागा गला परे से जाइकरी वर्तमान बॉम्बे रे गोटे घरोई कंपनी रे काम करूथिला टेक्नोलॉजी रो व्यवहार करूथिला फोन रो व्यवहार करनोथिला सेतपाई किछि समय हमको लागिला तार मोडस ऑपरेंड जानिबा पई तांकर बाहाघर परे तांकर मैरिटल डिस्कॉर्ड थिला एवं तांकर दे वर नॉट गेटिंग टुगेदर वेल सो दैट इज द प्राइमरी रीजन गत वर्ष नवंबर 16 रे घटीथिला ए घटना देखंतु एहारो सीसीटीवी फुटेज से दिन सकाळ प्राय 10:30 बळे एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज को क्लास करबाकु जाईथिले मिनती आउ तांको पीछा करी कॉलेज रे प्रवेश करथिले स्वामी निरंजन पाहत चढ़ी मिनती ऊपर को जाईथिले पछे पछे जाईथिले निरंजन मिनतींको मुहरे एसिड माड़ करथिले चित्कार करी पाहतरु तळकु दौड़ी आसीथिले मिनती कॉलेज कर्मचारी तुरंत मिनतींको चिकित्सा पई नै जाईथिले हम से दिन तो एठी मुथिले ए जगार थिले से झियोटा पार्टी करी करी एपुट धाई नै आसिला तापर सीधा एपट धाई गला कैंटीन गला कैंटीन में आम पछ पछ धाई गलु देख ला बेलू सब पा पकाउं जन डॉक्टर मैंने थे डॉक्टर स्टूडेंट मैंने थे कहले एसिड के पकई पानी पक नॉर्मल आनला कैजुअलटी नलु कैजुअलटी एडमिशन नलु कटक एसीबी मेडिकल चिकित्साधीन मिनती एवं आश्वस्त निरंजन को कठोर दंड देवा से दावी करस धरी चिकित्सा होगापर मिनती प्रायतः सुस्थ आखिरे सामान्य समस्या थिबारु आउ किछि दिन तांको मेडिकल रे रहिबाकु पड़िबो
ସେ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେ ଯେମିତି ଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ମୋର ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀର ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଏ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହ ଆନ୍ଧ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ସେ ମିନତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତନାଘନା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଶିଷ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂସଦ ଅଚଳ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଉପବାସ ପାଳିଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ବିରୋଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଟରୋଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବା ଦଳ ଆଜି ଉପବାସ ପାଳିଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର କହିବା କଥା, ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ବିଜେପି। ଉପବାସ ରାଜନୀତି, ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଆଜି ଉପବାସରେ ବିଜେପି। ବିରୋଧୀ ସଂସଦ ଅଚଳ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶରେ ଦିନିକିଆ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ବିଜେପି ପାଳିଛି ଉପବାସ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାଂସଦ ଓମପ୍ରକାଶ ମାଥୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉପବାସ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସଂସଦକୁ ଅଚଳ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ପାନୀରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। हमारे संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं, सभी दलों के लोग ने बैठ के विषय रखे, हमारे सभापति ने और लोकसभा के अध्यक्ष ने उन सब विषयों पर डिबेट करने का कहा। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से कहा कि आप जो कोई भी विषय लाओगे हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस चर्चा करना नहीं चाहती थी। जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट रही है कांग्रेस, संसद को नहीं चलने दी और पूरे देश भर में जातीय संघर्ष कर रही है, इसलिए यह आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और कार्यकर्ता आज उपवास में बैठे हैं। और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, जिस प्रकार से बीजेपी की पार्टी हिंसा कर रही है उसके विरुद्ध भी हम उपवास में बैठे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जनकल्याणकारी लोकाभिमुखी कार्यक्रम अच्छी तार चर्चा आलोचना बहुल भाव में पार्लियामेंट राज्यसभा ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାକୁ ଚଳେଇ ଦେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା। ସେପଟେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେପି ନେତା ସବୁଦିନେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଆସୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଭଲ, ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସ ରହିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ବାଲା କେବେ ଉପାସ କରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ହୀରା ବେପାରୀ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇ ଦେଶରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ୟା ଉପରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଅନୁଚିତ କି? ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କ'ଣ ଅନୁଚିତ କି? କଥା ସତ ହେଉଛି ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଆସିଛି, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୂରଣ କରିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଭଳି ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ରଚାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରୟ ପାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବର୍ଜନ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜେପିର ଉପବାସକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପହାସ, ହେଲେ ଏଥିରୁ କିଏ କେତେ ଫାଇଦା ପାଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଖବର ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ।
महानदी को नहीं विधानसभा एकाठी हेले शासक एवं विरोधी ए प्रसंगे आसंताकाली दुई घंटिया आलोचना करने को निष्पत्ति प्रश्नकाल बातिल आलोचना होने आज बाचस्पति अध्यक्षतारे बसी सर्वदल बैठक में निष्पत्ति प्रश्नकाल आज विधानसभा महानदी ताती देखा मिलता प्रश्नकाल बंद कर महानदी प्रसंगे स्वतंत्र आलोचना अड़ बसी विरोधी कंग्रेस और बीजेपी विरोधी हट्टगोल जो बारंबार मुलतवी होता गृह विधानसभा सरकार उत्तर न रखा अभियोग धारण में बसी बीजेपी विधायक प्रदीप पुरोहित महानदी लड़ई जारी बोली रही शासक दल विधायक आलोचना करने आम दावी कर सरकार जदि प्रस्ताव आने सहयोग कर आलोचना कर आसंता काली प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को बातिल करी मौसम रे महानदी प्रसंग उपर आलोचना हेबो सर्वदलीय बैठक रे निष्पत्ति हेला आसंता काली महानदी प्रसंग रे एवं केंद्रापड़ा रो धान किणा बिकार दुर्नीति उपर विधानसभा रे आलोचना एवं चर्चा हेबो बिजू जनता दल राज्य रो जनसाधारण स्वार्थ पाई लड़ई जारी रखी लड़ई जारी रखिबो एवं विधानसभा रे ए संपर्क रे आलोचना करिवा पाई आज सर्वदलीय बैठक रे आमे आमर मत मध्य जो सरकारी दल मुख्य सचेतक जो नोटिस मोशन आकार आलोचना करने आमे ताऊपरे आमर दाबी जारी रखिचु छत्तीसगढ़ में महानदी उपरे बंध ओडिशा रे महानदी स्थिति सांघातिक एमती कि पूरा तल मुंडे समुद्र में मिशा पूर्व महानदी को नहीं बढ़ी चिंता जल प्रभाव कमी ह्रास पाई जलस्तर जार परिणाम स्वरूप मुहाण मुहरे तो बाली चरीगला नदी पठारे भी बढ़ी बढ़ी जा मधुर पा मिलून प्रभावित होषवास विपन्न हो मत्स्यजीवी जीविका देखा जगत सिंहपुर जिलूार ग्राउंड रिपोर्ट उपकूल जिला जगत सिंहपुर प्रवाहित महानदी एभली अवस्था अधिकांश स्थान में नदी जलपतन ह्रास पाइवर धार खसीगला बाली चरिबा सह नदी पठा भी बढ़ी बढ़ी चली नदी भितर मत्स्यजीवी परिवार करुछंती चलप्रचल पानी रो गभीरता कमी जाउथुबारु आउ माछ मिलुनहांती विपन्न होइछि मत्स्यजीवी जीविका हम आज्ञा पांच वर्ष होला हम देखुछु नई सबू माने पठा हे जाउछ पांच वर्ष होला पांच फुट कमी गेलै गभीरता माछ नदी के आसी पारुनी आमे भी माछ पाई पारुनु ठीक से कई बर्त लोक आम हईराण हो छत्तीसगढ़ बंद होगा महानदी सुखीगला माछ माछ हो आम मत्स्यजीवी मैंने बहुत हईराण होगु आगुरु आम बुड़ पार नु ए सब नई सब शुखिला सब बुड़ माछ रहना पारादीप पाखे बंगोपसगर में मिशि महानदी मुहाण पूर्व भी महानदी अवस्था को नहीं बढ़ी चिंता स्थानीय लोकों कहवा कथा विगत किछि वर्ष हेब महानदी को जल प्रवाह कमी जो तालदंडा केनाल पानी कम रही जलसेचन पानी अभाव तो पड़ी कलकारखाना को मध्य मिलूनी पर्याप्त पानी उपर मुंडे महानदी पानी अटका जबारु तल मुंडे हंत सत होती लोके मुहाण मुहर पथर बंधर पर पानी पिटी होता कि बाली चर देखा जाऊँगी महानदी मुहाण मुह सुखी जाए ताहले आपण माने सही थ्रु अनुमान करंतु महानदी जलस्तर केते परसेंट कमी जो कलकारखाना ये गढ़ी उठी से जगह से माने जल जो कमी जाइछि से माने को जल जोगे हेबो नाही एवं आगामी दिन में जो माने इंडस्ट्रियल माने आसिया को इच्छा करछन से माने मध्ये इच्छा प्रकाश करिवे नै कारण ये जलर संकट देखा दे वर्तमान केनाल ठीक भाव पानी आसी पारुनी आमर तालदंडा रो केनाल आम एपटे एरिया कुजंग एरसमा गला पारादीप अंचल तालदंडा केनाल बिल्कुल भी पानी नहीं खरा दिने गुरु गाई पानी पी असुविधा पानी तो संकट पूरा ओडिशा रो लाइफ लाइन महानदी खासकर जगत सिंहपुर जिला महानदी सबकि चाषवास कलकारखाना सबकि महानदी जो संभव महानदी जलशून्य हेले कि प्रकार संकट माड़ आसब ताहा कलना करिबा भी मुश्किल जगत सिंहपुर पिनाकी महांती न्यूज 18 ओडिया।
विधानसभा पुणि उठी स्वतंत्र राज्य प्रसंग स्वतंत्र पाया मान्यता पूरण ओडिशा दुईट मापदंड पूरण करुनथिबा कथा स्वीकार करिसंती योजना और संयोजना मंत्री उषा देवी विधायक कैलाश कुलेसिका प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहते 1979 मसीहा पर स्वतंत्र राज्य पाया केन्द्र सरकार निकट में विभिन्न स्तर में दावी तेज 2013 मसीहा मे मस 7 तारीख में तत्कालीन योजना आयोग उपाध्यक्ष जनाई जातीय उन्नयन परिषद द्वारा अनुमोदित मापदंड मुताबक ओडिशा स्वतंत्र राज्य पाया योग्य बेचित होना कांग्रेस कहिछि राज्य सरकार ड्रामा करिछन्ती बीजेपी रो जवाब नीति आयोग गठन परे पर्याप्त अर्थ आसिबो आदि तम निजे मानिछन्ती मंत्री 314 उत्तर रे प्रश्न जो होइथिला विधानसभा रे तार उत्तर रे उल्लेख करिछन्ती जे दुईटा कैटेगरी रे आसि पारिबो नाही याडे आसि पारिबनि बोली कहउछन्ती से याडे दाबी करउछन्ती नीति आयोग गठन हला परे केन्द्र सरकार पर्याप्त पैसा राज्य मानंकु देबो एवं राज्य सरकार दायित्व है कौ कौ सेक्टर में राज्य अवहेलित अच्छी शिक्षा क्षेत्र में ना पीवा पानी क्षेत्र ना गमन गमन क्षेत्र में राज्य सरकार निष्पत्ति ने से पैसा को से दिगरे खर्च करेंगे आपण इश्तेहार में एक नंबर प्रोग्राम रखते ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी किंतु आप केन्द्र क्षमता को आसला पर आप प्लानिंग कमिशन ये आईन को बातिल करदे नीति आयोग नुआ आईन आणले जो आईन अंतर्गत ओडिशा आसुने से आईन बल में आप सदा डिनाय कर ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी दिजाव ना एवं से आईन बल में आंध्र प्रदेश को बर्तन डिस्चार्ज हेले रीमा राणी बलांगीर पटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण मामलें कटक एससीबी मेडिकल डिस्चार्ज होती रीमा राणी डिस्चार्ज परे परिवार सहित बाप घर बौद्ध जाइछन्ति रीमा क्राइमब्रांच खूब शीघ्र दोषी को धरा पड़ बोली आशा रखिछन्ति रीमा आ जदि आवश्यक पड़े ताहले मुख्यमंत्री को भेटी पारू बोली रीमा कहिछन्ति तो से दोषी धरा पड़े तो जहाँ भी किछि से तो जे करिछि तो से भी तो दोषी से तो बहुत बड़ दोषी तो मुझे तो कोरियर संस्था को बहुत दायी करुशी से दे नथिले से आसी नथांता कि जिनिस बेहि थाने से आम फैमिली को बहुत बर्बाद कर देछि तो मुझे कोरियर संस्था को बहुत दायी करुशी एते दिन हला तो किछि करबानी पुलिस भी कि केहे भी तो मुझे चाहूँ कोरियर संस्था के आगो धरुन तो धरा पड़ी झील तो डिस्चार्ज भी है आउ जहाँ भी ट्रीटमेंट बहुत भल ट्रीटमेंट हो डाक्टर मैंने बहुत सहयोग कर बहुत किसी समस्त को नमस्य पुलिस तो बलांगी पुलिस तो मैसेज रखी पाला तप क्राइम ब्रांच गला क्राइम ब्रांच भी जहाँ शुणी किसी पाला बोलते जमापड़ी तथा आस्था मुझे रखी हूँ का धरा पड़ जाए एणिक राजधानी और यार आखपाख अंचल को जानवे अधिकरु अधिक पर्यटक एथिपाई आज दुईट वेबसाइट लोकार्पण करिछन्ति मुख्यमंत्री भुवनेश्वर संपूर्ण तथ्य सांग को होटल पर्यटन स्थल और गमनागमन सूचना ऑनलाइन उपलब्ध हो पार भुवनेश्वर .me वेबसाइट रे होटल रोड मैप पर्यटन स्थल शॉपिंग मॉल और विभिन्न कंपनी ठिकाणा रही वेबसाइट रे लिंगराज मंदिर बिंदुसागर नंदनकानन धौली पुरी कोणार्क चंद्रभागा चिलिका आदि स्थान को प्राथमिकता दिया जाय एहा सहित स्मार्ट सिटी रो नुआ लोगो को मध्य उन्मोचन करिछंती नवीन पटनायक सचिवालय रे आयोजित एक कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री को समेत नगर उन्नयन मंत्री मुख्य शासन सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थिले वेबसाइट लॉन्च है छि गोटे वेबसाइट हैला भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड रो वेबसाइट से वेबसाइट माध्यम रे स्मार्ट सिटी रो जत्ते प्रोजेक्ट्स अछि तार कोन स्टेटस अछि एबे कोन चाली छि से सबु इन्फॉर्मेशन से वेबसाइट माध्यम रे लोक माने समस्त जानि पारिबे भुवनेश्वर .me से वेबसाइट टा लॉन्च होई से वेबसाइट रे भुवनेश्वर जिते इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन रही टूरिज्म टूरीस्ट मानक से सब अट्रैक्शन राइटअप दिया है पिक्चर्स अच्छी वीडियोस अच्छी विषय जन देखिपर और पर्यटक मान आसीपर आम आय वृद्धि हो पार एवं आम सहर चारिआड़े पृथ्वी आहरी नामुखी हो पार तेणुक आज वेबसाइट लॉन्च होती है और आम जो स्मार्ट सिटी कौन कौन कार्यक्रम आम ओडिशा कौन पे प्रसिद्ध लाभ करछि भुवनेश्वर कौन पे प्रसिद्ध लाभ करछि डिटेल हिस्ट्री मध्ये हम पाई परिया समस्त आमे आपण को एमितिया दृश्य देखेबू जहां आपण केबे देखि नथिबे कि आपण केबे कल्पना भी करि नथिबे ए चित्र कोरापुट रु देखिबा छोटिया ब्रेक परे ब्रेक पर पुणि थरे स्वागत
ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବିନଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ, କୋରାପୁଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତୁଷାରପାତ୍ର କୁହେଳିକା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ବରଫର ଆସ୍ତରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ବରଫ ଗାଲିଚା। ସତେ ଯେମିତି କାଶ୍ମୀରର ଶୁଭ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ହଁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭ୍ରମରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବରଫ ନୁହେଁ, କୁଆପଥର। ଆଉ ଏ ଜାଗା କାଶ୍ମୀର ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କୋରାପୁଟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଦାମନଯୋଡ଼ିର ମାଥାଲପୁର, ମରିଚମାଳ, ଲିଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାହାଡ଼ ସବୁଠି ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା କୁଆପଥର, ଯାହା ପଥଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତୁଷାରପାତ୍ର ଭ୍ରମ। ରାମଯୋଡ଼ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ବରଫପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ଯେପରି ବରଫପାତ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର କୁଆପଥର ହେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧଳା ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କୁଆପଥର ସବୁଆଡ଼େ ଆଇସ୍ କି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି ଏତେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ସାରା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ ସାରା ଖାଲି କୁଆପଥର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯେମିତି ସ୍ନୋଫଲ ହୁଏ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଏଭଳି କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଆହୁରି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ରହୁଛି ଆମର କୋରାପୁଟ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ତାହା ଜଣାପଡୁଛି କୁଆପଥର ଆନଦର ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମେ ମାସରୁ କୁଆପଥର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ରହେ, ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିଲା ତଥାପି ବି ମେ ମାସର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବ। କୋପକଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଧରିଲା ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଥମିଯିବା ପରେ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଉପହାର ଦେଲା ତାହା ଥିଲା ଆଖି ଚରସା। କେବେ ଦେଖିନଥିବା କୋରାପୁଟର ଚେହେରା ଅପରୂପ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଶୁଭ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କଏଦ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିନଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଆଉ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରାରେ ନୀଳ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ରଖି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପଇତା ଓ ଗାମୁଛା, ଆଉ ମୁହଁରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ। କିଏ ପୁଅର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନାସିଛି, ତାଉ କିଏ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସି ଏହି ପୀଠରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ନୀଳ ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ନୀଳ ପୋଖରୀରୁ ଥମ୍ବି କାଠ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଟଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। আমার বউ অপারেশন হয়েছিল পিত্তপাথরে, সেও ভালো হয়েছে, তার জন্য আমি মনোকামনা হয়েছে বলে আমি এসেছি বাবার কাছে। পৌরাণিক কিংবদন্তি বাদে লোককথা অছি, এবং সেই লোককথা কিংবদন্তি পৌরাণিক পৃষ্ঠভূমিরে এই নীল পর্ব পালিত হয়। যেতবে ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବିଷ ବା ଗରଳ ବା ନୀଳ ବାହାରିଥିଲା। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
सीसीटीवी संजोग सहित स्वतंत्र भाव महिला पुलिस मुतयन आसंता पालन हम पाट पर्वर उद्यापनी उत्सव दुईश होमगार्ड मुतयन करल एसपी अच्छा डीएसपी अच्छा पांच जन एवं इंस्पेक्टर अदर अफिसर्स अच्छा शहे जन कटक मेला वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 20 प्लाटून्स ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग टू प्लाटून्स ऑफ ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स एंड वी हैव कवर्ड द होल एरिया अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। बालेश्वर राजकिशोर बेहरा न्यूज 18 ओडिया। समय सरी छे अमर ओडिशा को एठी रखुछु। नमस्कार।